सो गाइस इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपकी वीडियो में व्यूज नहीं आता, यानी कि 5, 10, 15 या तो 50 इस तरीके से व्यूज आता है। यानी कि मेरे चैनल पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे काफी सारी ऐसी वीडियो है जिसमें 10, 15 या तो 50 व्यूज आता है, और यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता वो यहाँ पे सही तरीके से वीडियो अपलोड नहीं करता है, यानी कि कोई ना कोई गलती रहती होगी या तो कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होता होगा, इसलिए यहाँ पे मेरी वीडियो में व्यूज नहीं आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आज आपको लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूँ। यानी कि कुछ ऐसी वीडियो है जिसमें आप सही तरीके से एसईओ करते हो तो भी यहाँ पे व्यूज नहीं आता, और यहाँ पे कुछ ऐसी भी वीडियो है जिसमें आप एसईओ नहीं करते, यानी कि सही तरीके से टाइटल टैग थंबनेल डिस्क्रिप्शन नहीं लगाते तो भी यहाँ पे आपकी वीडियो में व्यूज आता है, वो यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ मेरी ही वीडियो आपको बताऊंगा। तो आपको पता चल जाएगा कि सही तरीके से यहाँ पे एसईओ करते हो और यहाँ पे व्यूज नहीं आता तो आपका प्रॉब्लम है या तो वीडियो का प्रॉब्लम है, यानी कि आप सही तरीके से टाइटल टैग थंबनेल डिस्क्रिप्शन लगाते हो तो भी वीडियो में व्यूज नहीं आता। सही तरीके से आप टाइटल टैग थंबनेल डिस्क्रिप्शन नहीं लगाते, यानी कि डिस्क्रिप्शन सही तरीके से नहीं लिखते हो या तो टैग सही तरीके से नहीं लगाते हो, यानी कि 10-15 आप नहीं लगाते तो भी यहाँ पे आपकी वीडियो में व्यूज आएगा, वो मैं 100% कहता हूँ। क्योंकि आपको आज लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूँ, एक नहीं 3 वीडियो बताऊंगा कि कौन सी वीडियो यहाँ पे मेरी वायरल हुई जिसमें यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला तो भी यहाँ पे मेरी वीडियो वायरल हो गई, और यहाँ पे कुछ ऐसी भी वीडियो है जिसमें यहाँ पे मैं सही तरीके से टाइटल टैग थंबनेल डिस्क्रिप्शन लगाया तो भी इस वीडियो में व्यूज नहीं आता। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल स्क्रीन ओपन करके आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, यानी कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं वाइस स्टूडियो ओपन करता हूँ, वाइस स्टूडियो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वीडियो यहाँ पे मेरी वायरल हुई, कौन सी वीडियो में यहाँ पे वायरल नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के वीडियो यहाँ पे मैंने बनाए जिसमें यहाँ पे 1 month हो गया, जिसमें यहाँ पे आप व्यूज देखोगे जिसमें यहाँ पे 55 से यहाँ पे व्यूज है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था वाइट स्टूडियो में न्यू फीचर के बारे में बताया था जिसमें यहाँ पे 63 व्यूज है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में योर स्कैरी कितनी लगानी चाहिए, इसमें 3 व्यूज है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू चैनल में स्टार्टिंग में व्यूज कैसे लाए, इस तरीके से आप देखोगे जिसमें यहाँ पे 16 व्यूज है। तो इस तरीके से यहाँ पे व्यूज आता है, यानी कि इतना ही व्यूज आपकी वीडियो पे आता है तो आपको काफी सारी दिक्कतें होती है, यानी कि काफी सारा यहाँ पे मेहनत करने के बाद आपकी वीडियो में व्यूज नहीं आता। तो क्यों नहीं आता, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो भी यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया उसको यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ, यानी कि सही तरीके से यहाँ पे मैंने टाइटल टैग थंबनेल डिस्क्रिप्शन लगाया, यानी कि आप टाइटल देखोगे और इसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देखोगे जिसमें यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी पता चल जाएगा, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा यहाँ पे मैंने लिख लिया, यानी कि सही तरीके से यहाँ पे टाइटल टैग थंबनेल डिस्क्रिप्शन सब कुछ यहाँ पे मैंने लगाने के बावजूद डिस्क्रिप्शन आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे विजिबिलिटी आप देखोगे, ऑडियंस में आप देखोगे जिसमें यहाँ पे नो है। इसके बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट आप देखोगे तो आप देख सकते हैं मोर ऑप्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे मैंने काफी सारा यहाँ पे टैग भी लगा दिया, कैटेगरी भी कंप्लीट है, कमेंट वाला ऑप्शन में भी कंप्लीट है, सब कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखने के बावजूद भी यहाँ पे वीडियो में व्यूज नहीं आता। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे दूसरी वीडियो बताता हूँ ताकि आपको और ज्यादा यहाँ पे पता चले। इनकी काफी सारे ऐसे यूट्यूबर है जो आपको बताते हैं कि सही तरीके से टाइटल टैग थंबनेल डिस्क्रिप्शन लगाना चाहिए ताकि आपकी वीडियो में व्यूज आता, लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि मैं लाइव प्रूफ के साथ आज आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड न्यूज 0 सब्सक्राइब वाले म्यूज करें, इसको यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बताता हूँ, यानी कि सही तरीके से यहाँ पे सब कुछ लिखने के बावजूद भी यहाँ पे वीडियो में व्यूज नहीं आता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मैंने टाइटल टैग थंबनेल डिस्क्रिप्शन लगाए तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे टाइटल टैग थंबनेल डिस्क्रिप्शन लगाए, किस तरीके से यहाँ पे मैंने एसईओ किया। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे नीचे यहाँ पे काफी सारे आपको वीडियो मिल जाती है जिसमें यहाँ पे सही तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे व्यूज 15, 20, 17 इस तरीके से व्यूज आता है। इसके बाद यहाँ पे एसईओ नहीं किया उसका यहाँ पे व्यूज आपको दिखाता हूँ, उसकी कैटेगरी भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल यहाँ पे मेरे चैनल का हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू मेक निकॉन डीको 300 ऑटो फोकस, इस वाले वीडियो में आप देखोगे व्यूज यहाँ पे 14 के यहाँ पे व्यूज है। इसको यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, इसको ओपन करने के बाद आपको बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पे 1 साल से पहले यहाँ पे मैंने एसईओ किया था जिसमें यहाँ पे ये वीडियो मेरी चल गई थी यानी कि वायरल हो गई थी, जिसमें आप देखोगे जिसमें यहाँ पे टाइटल भी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्लेमर लगाया, एक हैशटैग लगाया और यहाँ पे टाइटल लगाया, उससे ज्यादा यहाँ पे मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा तो भी यहाँ पे मेरा 14K व्यूज है। यानी कि ये वीडियो कैसे वायरल हो गई, किस तरीके से यहाँ पे मैंने टाइटल टैग थंबनेल डिस्क्रिप्शन लगाया था, यानी कि मैंने कुछ भी नहीं किया था। जो भी यहाँ पे मेरे पास कैमरा है वो यहाँ पे कैमरा में इस तरीके से दिक्कत आई थी, यानी कि ऑटो फोकस के लेके यहाँ पे दिक्कत आई थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया,
जो भी ऑटो फोकस का वीडियो मैंने काफ़ी सारा देखा, उसके बाद यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, यानी कि अपने आप ही मैंने सॉल्व किया। और यहाँ पे यूट्यूब में इस तरीके से वीडियो नहीं थी, यानी कि वीडियो थी लेकिन सही तरीके से काफ़ी सारे यूट्यूबर नहीं बताते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे इजी लैंग्वेज के साथ यहाँ पे बताया, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरी वीडियो में व्यूज आए। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको वीडियो बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिबिलिटी यहाँ पे पब्लिक है, ऑडियंस आप देखोगे, प्लेलिस्ट देखोगे, कैमरा एंड लेंस, इसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टैग, टैग में मैंने कुछ भी नहीं लगाया तो भी यहाँ पे मेरी वीडियो वायरल है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आप देखोगे जिसमें यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ भी एसईओ नहीं किया तो भी यहाँ पे मेरी वीडियो वायरल है। तो आपको एसईओ करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आपकी वीडियो सही तरीके से बनती है, यानी कि आप सही तरीके से वीडियो बनाते हैं और यहाँ पे एसईओ नहीं करते, और यहाँ पे सही तरीके से वीडियो बनाते हैं, और यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक है जिस रिकॉर्डिंग आप वीडियो बनाते उस वीडियो यहाँ पे चल जाती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज आता है, यानी कि दूसरों को देख के यहाँ पे आप कॉपी करते हो तो वो वीडियो नहीं चलेगी, लेकिन अपने आप अपने अपने हिसाब से आपको बनाना होगा कि ऑडियंस को क्या चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू कैमरा आईएसओ अपर्चर शटर स्पीड किस तरीके से सेटिंग करें। इसके बाद यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था जिसमें यहाँ पे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, यानी कि उसमें भी मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। तो आप देख सकते हैं टाइटल दिखाई देगा, इसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे जिसमें एक ही यहाँ पे हैशटैग लगाया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यानी कि आप देख सकते हैं वीडियो के बारे में लिखा है, इसके बाद यहाँ पे दो तीन यहाँ पे लिंक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो भी यहाँ पे मेरे वीडियो में अच्छा खासा व्यूज आया है। यानी कि देख सकते हैं प्लेलिस्ट देखोगे, इसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन में आप देखोगे जिसमें आप देख सकते एड अ टैग, जिसमें यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टैग नहीं लिखा, और यहाँ पे कैटेगरी आप देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि कुछ भी यहाँ पे मैंने नहीं किया तो भी यहाँ पे मेरी वीडियो में अच्छा खासा व्यूज आया, यानी कि वो कैसे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाते हो वो सही तरीके से बनाएं, और यहाँ पे टाइटल टैग थंबनेल डिस्क्रिप्शन तो लिखना ही चाहिए, लेकिन मैंने नहीं लिखा तो भी यहाँ पे मेरी वीडियो वायरल है, तो भी यहाँ पे मेरी वीडियो में व्यूज अच्छा खासा आया, इस तरीके से यहाँ पे वीडियो बनाया तो यहाँ पे मेरी वीडियो में व्यूज आया। लेकिन यूट्यूब रिलेटेड यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे मैंने टिप्स बताई, काफी सारे यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया, लेकिन उस वीडियो में व्यूज नहीं आता। इसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा वीडियो आपको ओपन करके दिखाता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं ब्रदर प्रिंटर्स T310 प्रिंट का एरर का प्रॉब्लम था, जिसमें यहाँ पे मैं आज आपको बताता हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं 4.2K यहाँ पे व्यूज है। तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो यहाँ पे हैशटैग है, इसके बाद यहाँ पे डिस्क्लेमर है, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रिंटर के बारे में मैंने बताया। इसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन में आप देखोगे जो यहाँ पे मैंने टैग वाले ऑप्शन में कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा तो भी यहाँ पे मेरी वीडियो वायरल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से आप वीडियो बनाते हो जिसकी वजह से आपकी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा व्यूज आता है। यानी कि ऐसी वीडियो मैंने क्यों बनाई, यानी कि मेरे पास यहाँ पे ब्रदर प्रिंटर था जिसमें अभी इस तरीके से प्रॉब्लम हुआ था, और यहाँ पे उसको यहाँ पे काफी सारा यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की तो यहाँ पे नहीं हुआ, तो दूसरों लोगों को काफी सारी जरूरत थी तो दूसरों लोगों को काफी सारा ब्रदर प्रिंटर को लेकर यहाँ पे दिक्कतें थी, जिसमें यहाँ पे मैंने लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे उनको दिखाया कि इस तरीके से यहाँ पे वीडियो देख के यहाँ पे अपना प्रिंटर सॉल्व करने जाओगे, अपने प्रिंटर का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो आपका प्रिंटर रिपेयरिंग नहीं होगा, वो यहाँ पे मैंने लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे उनको बताया था, इसलिए यहाँ पे मेरी वीडियो वायरल हो गई। इस तरीके से यहाँ पे व्यूज आता है, यानी कि आप जिस वीडियो बनाते हो जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो तो सही तरीके से बनाए, और यहाँ पे जो भी दिखाते हो वो यहाँ पे फ्रॉड मत बताएं। यानी कि काफी सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, व्यूज यहाँ पे पाने के लिए यहाँ पे गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन बताते हैं या तो गलत तरीके से वीडियो बनाते, जिसकी वजह से उनकी वीडियो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज तो आता है लेकिन दूसरी वीडियो यहाँ पे नहीं दिखाई देती, दूसरी वीडियो में व्यूज नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि जो भी अगली वीडियो बनाए उस वीडियो में यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन बताते, जिसकी वजह से जो भी ऑडियंस देखती है उनका फेस देख के ही यहाँ पे वीडियो में व्यूज नहीं आता, उनको नहीं देखते। तो आपको इस तरीके से गलती नहीं करना है, यानी कि अपने वीडियो में व्यूज नहीं आता स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, एक साल दो साल आप काम करें, अपने आप अपनी वीडियो चल पड़ेगी, अपने आप यहाँ पे व्यूज आना शुरू हो जाएगा, वो मैं 100% कहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेरे दूसरे चैनल थी जिसमें यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम होती थी, यानी कि वीडियो में व्यूज नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे एक साल के बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे मेरी हर एक वीडियो यहाँ पे वायरल हो गई, जिसमें यहाँ पे काफी अच्छा खासा यहाँ पे रिस्पॉन्स भी मिला, और यहाँ पे मेरी वीडियो वायरल भी हो गई, और यहाँ पे मेरी चैनल मोनेटाइज भी हो गई थी। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे को स्ट्राइक पड़ी, और यहाँ पे मेरी चैनल यहाँ पे डिलीट हो गई। यानी कि आपकी वीडियो में अभी नहीं व्यूज आता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, रेगुलर सही तरीके से आप वीडियो बनाए, आपकी वीडियो 100% चलेगी, आपकी वीडियो में व्यूज भी आएगा, और यहाँ पे आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनेंगे। सो गाइस, आपको यूट्यूब रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसी नई नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, वंदे मातरम।